देख रहे एएनए न्यूज़ में आपके साथ मौजूद हूँ शोभा फातिमा और आज हमारे साथ मौजूद है श्री लालजी वर्मा जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसने अंबेडकर नगर को सिर्फ और सिर्फ तरक्की की तरफ ले जाने का काम किया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में सर, कितनी वक्त आपने आपने हमें दिया, बहुत बड़ी बात है। पहला सवाल जो कि अंबेडकर नगर क्षेत्र में आपने अनगिनत काम इस वक्त कर रखे हैं, आगे क्या प्लान है आपका अम्बेडकर नगर के क्षेत्र को? अम्बेडकर नगर के बाबा साहब के नाम के अनुकूल हम लोगों ने प्रयास किया कि इस जिले के जहाँ किसी भी गांव में पहले सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और आज जो अम्बेडकर नगर की स्थिति देख रहे हैं उसी परिणाम स्वरूप है। वर्तमान में हम लोगों की चाहत है कि जो यहाँ पर विकास के काम शुरू हुए हैं वो और आगे बढ़े, विशेष रूप से जो मेडिकल कॉलेज हमने प्रयास करके बनवाया था उस मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस नहीं शुरू हुए। हमारा पहली प्राथमिकता है कि ये मेडिकल कॉलेज लखनऊ के तर्ज पर इस तरह से वहाँ के जेएनयू है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, उसकी तरह से एक बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में परिवर्तित हो। साथ ही साथ है जो बिजली की समस्याएं हैं उनका समाधान हो और साथ ही साथ हर गांव तक लोगों को सड़क पहुंचे, पानी की व्यवस्था समुचित हो, ये सभी हम लोगों की चाहत। देखा आपने चुनाव अपने बहुत नज़दीक पहुंच चुका है इस वक्त, मैदान में बिल्कुल आने की तैयारी में चुनाव है इस वक्त, हर मुख्यमंत्री हर कोई अपनी अपनी तरफ से लगातार कोशिशों में लगा हुआ है, कोई रैली कर रहा है, कोई यात्रा कर रहा है। अखिलेश जी भी 7 तारीख को अम्बेडकर नगर के दौरे पर आ रहे हैं, इसकी एक डिटेल जानना चाहेंगे कि कैसा प्रोग्राम होगा, कहाँ पर ये होने वाला है, क्या बड़े नाम हमारे क्षेत्र से जुड़ने वाले हैं? इसी ये 7 तारीख को हमने आमंत्रित किया माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। जैसा आपको विदित है कि विगत 3 जून को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वाणी मारुती जी ने हमें और माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने किसी भी तरह से हम लोगों ने पहले प्रयास किया कि जो गलतियाँ गलत खामियाँ इसको दूर किया जाए, लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं दिखी पर और दूसरे प्रदेश में जो भाजपा का शासन है कुशासन है जिसमें किसानों के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न, हर माने में महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई है, आम जनता त्रस्त है और सत्तारूढ़ पार्टी मस्त है, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने महसूस किया कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प के रूप में श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर लोहिया की ये धरती है उनके सपनों को साकार करने के लिए, चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों को बहुत बड़ा योगदान है किसान की उन्नति में, उनके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में 7 नवंबर को यहाँ के अपने समर्थकों की एक रैली के माध्यम से हम लोग समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय करेंगे और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम लगा है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, वो स्वतः यहाँ आने के लिए तैयार हुए हैं हम लोगों के कार्यक्रम में और एक बहुत ही बड़ी रैली होकर उस दिन एक नया शुरुआत हम लोग करने का काम है। जैसा कि आपने कहा कि महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत में है लोग, जबकि भाजपा सरकार से भाजपा का ये दावा है कि लगातार हम लोगों की सेवाओं में है, क्या ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी आ जाती है सत्ता में तो महंगाई से या इस तरह से हम लोगों को या पब्लिक को राहत मिलने वाली है? निश्चित तौर पर अगर ये सरकार समाजवादी पार्टी के अगर मगर नहीं है, निश्चित बननी है, तो निश्चित रूप से प्रदेश की आम जनता को
विशेषकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी और सभी वर्ग के लोगों को राहत महसूस होगा और सरकार की जो नीतियाँ होंगी उससे उनको लाभ मिलेगा। क्या रणनीतियों के साथ इस वक्त समाजवादी उतरने वाली है? अब इसका तो खुलासा माननीय श्री अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, अभी तो हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं इसलिए उसके बारे में हम कुछ अभी बताने की स्थिति में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इस खास बातचीत के लिए। समाजवादी पार्टी तैयार है अपने आप को और अपने लोगों की सेवाओं के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANN News।